दोस्तों मैं नवीन और बत्रा जी टेक चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक TWS को जो है अनबॉक्स करने वाले हैं और इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये दोस्तों डिफाई कंपनी की तरफ से आने वाला डिफाई ग्रेविटी प्रो न्यू लुक के साथ आया है, तो इसी की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले बॉक्स पर कुछ हाईलाइट्स हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है। 25 आवर्स का आपको टोटल प्लेबैक टाइम दोस्तों देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग आपको मिल जाती है और स्वेट रेजिस्टेंट आपको मिल जाता है। इसलिए दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आपको जो है ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल है, यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको 13mm के ड्राइवर दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, क्विक पेयर कनेक्ट का फीचर आपको मिल जाता है, चार माइक आपको मिल जाते हैं ENC के साथ, यानी एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, जो कि कॉल क्वालिटी के ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आपको टर्बो बोर्ड मिल जाता है, 50 मिलीसेकंड की आपको लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है, जो लोग गेमिंग पसंद करते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर दोस्तों रहेगा। अब कहते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों अनबॉक्स करते कुछ इस तरह से हमें चीज़ें दोस्तों रखी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों केबल आपको देखने को मिल जाते हैं, टाइप सी केबल दोस्तों यहाँ पर, ये अच्छी बात है, टाइप सी केबल जो है कंपनी ने दिया फास्ट चार्जिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो है ये केस दोस्तों देखने को मिल जाता है, जो फर्स्ट लुक में दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और नीचे अगर कुछ चीज़ों की बात करें तो आपको ये वारंटी कार्ड दोस्तों देखने को मिल जाता है, 1 ईयर की वारंटी दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है, और एक मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप चेक कर सकते हैं इसको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डिटेल में देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये कुछ कंटेंट था जो हमें देखने को मिलता है इसके बॉक्स के अंदर। मैं इसको एक बार अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका क्विक रिव्यू शेयर करता हूँ कि कैसा दोस्तों इसका रिव्यू है, कैसे दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, कैसे इसके फीचर हैं, क्या कॉल क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ मैं चेक करके दोस्तों आपको बताता हूँ। इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लिया है, ऑल ओवर मुझे इसके बारे में पता चल चुका है कि ये कहाँ पर स्टैंड करता है और क्या ये वर्थ है या नहीं है। इसका प्राइस दोस्तों 1399 है, तो क्या उस प्राइस में ये जस्टिफाई करता है नहीं। तो दोस्तों रिव्यू में सबसे पहले बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों वो डेफिनेटली काफ़ी मुझे अच्छी लगी है, काफ़ी जो है कॉम्पैक्ट साइज़ है और बहुत ज़्यादा हल्का है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कैरी करने में दिक्कत नहीं होगी, पतला सा है, आराम से आपकी पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं। और एक डिज़ाइन की बात करूँ दोस्तों, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, मैट फिनिश के साथ आता है, ये 3 कलर्स में दोस्तों अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट। व्हाइट जो कलर है वो थोड़ा ग्लोजी फिनिश के साथ आता है और वो भी काफ़ी अच्छा दोस्तों लगता है, लेकिन मुझे मैट फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसके डिज़ाइन में बताऊँ तो आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर LED मिल जाती हैं, जो आपको चार्जिंग बता देंगी कितनी आपके केस के अंदर चार्जिंग दोस्तों बाकी है। काफ़ी अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे लगी है कि यहाँ पर बैटरी आप आराम से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप सी पोर्ट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो आराम से फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों एक चीज़ मुझे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है दोस्तों, ये स्लाइडर है, यानी ये इस तरह से खुलता है, आपको सामने से नहीं खोलना है, जस्ट आपको स्लाइड करना है, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको पूरा दिन इसी तरह से करते रहें। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छा लगता है, काफ़ी क्लिकी सा लगता है और काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों इसको करने में। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से दोस्तों डिज़ाइन बनाया गया है, डिज़ाइन दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो इसके ईयरबड्स की कि उनकी क्वालिटी मुझे कैसी लगी है दोस्तों, मैं उनकी भी आपको दिखा देता हूँ। मुझे दोस्तों इनकी भी जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड बिल्ड दोस्तों आपको देखने को मिलती है, ग्लोसी फिनिश के साथ दोस्तों आते हैं, ये मैट फिनिश यहाँ पर नहीं है, ग्लोसी फिनिश है, बट हाँ काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन लगता है, तो वहाँ डिज़ाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको AT देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल जो इस टाइप की शेप जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में होते हैं वैसा आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होने वाली है। हाफ इनियर शेप दोस्तों आपको इनके देखने को मिल जाती है, चार्जिंग पॉइंट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर पूरा टच कंट्रोल दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। टच की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो काफ़ी जो बेसिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे इसके अंदर ऐड किए गए हैं, आप जो इसमें टच करेंगे तो सॉन्ग पॉज हो जाता है, फिर टैप करेंगे तो प्ले हो जाता है, डबल टैप करते हैं तो राइट पे तो नेक्स्ट हो जाएगा, और इस पे डबल टैप करते हैं तो दोस्तों प्रीवियस में चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप राइट पे 3 बार अगर इसको टैप करते हैं दोस्तों ये टर्बो मोड यानी गेम मोड में चला जाएगा, और 3 बार दोबारा टैप करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर लेफ्ट वाले 3 बार आप जो है इसमें प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये गूगल असिस्टेंट या सीरी को जो है ऑन कर देगा, यानी वॉइस असिस्टेंट आपका ऑन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे फीचर्स इसके जो हैं दिए हुए हैं टच कंट्रोल से रिलेटेड, वो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, इसका जो मैनुअल दिया गया है वहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ऑल ओवर मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ एक चीज़ मैं दोस्तों बोलूँगा जो मुझे थोड़ी सी लगी, यूज़र एक्सपीरियंस और बेटर हो सकता था, यानी जैसे आप देख सकते हैं ये आपका राइट ईयर का, ये आपका लेफ्ट ईयर का है, तो अगर मैं इसके केस की बात करूँ तो राइट ईयर का जो है ना वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर दिया होता ज़्यादा अच्छा होता और लेफ्ट वाले के लिए यहाँ देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये मुझे थोड़ा सा लगा है कि उल्टा इन्होंने कर दिया, अगर यहाँ पर आपका राइट वाला, यहाँ पर आपका लेफ्ट वाला होता, यहाँ पर राइट वाला होता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो ये थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस उससे बेटर बन जाता है, थोड़ी अच्छा लगता है कि कंपनी ने ध्यान दिया छोटी छोटी चीज़ें के ऊपर। दोस्तों अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है 25 आवर्स का आपको अप टू बैकअप मिल जाता है। दोस्तों आपको डेफिनेटली इसके अंदर एक बार चार्ज करते हैं ईयरबड्स को तो आपको वहाँ पे
5 से 5.5 घंटे का बैकअप दोस्तों देखने को मिल जाता है। और एक्स्ट्रा आप इसमें 4 बार और आपके ईयरबड्स को दोस्तों चार्ज कर सकते हैं। 400 mAh का दोस्तों आपको केस देखने को मिलता है, तो बड़ी बैटरी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आराम से आपको 22 से 23 घंटे का बैकअप दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डेफिनेटली बैटरी के मामले में भी यहाँ पे काफी अच्छा काम किया गया। और अगर चार्जिंग की बात करें तो टोटल जो केस है दोस्तों 400 mAh का, उसको चार्ज होने में 1.5 घंटा लगता है। और केस के कंपैरेटिवली इसके ईयरबड से जल्दी चार्ज हो जाते हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट अगर चार्ज में लगाते हैं, तो अगर 70% पे आप वॉल्यूम में प्ले करते हैं, तो आपको 3 घंटे का बैकअप दोस्तों आराम से देखने को मिल जाता है 10 मिनट के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, हमें जो फर्क डेफिनेटली देखने को मिलता है जो फास्ट चार्जिंग की स्पीड यहाँ पर दोस्तों दी गई है। दोस्तों कॉलिंग की अगर बात करो, जो लोग कॉलिंग के लिए इसको परचेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कॉल के लिए भी आपको कोई यहाँ पर शिकायत दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। 1400 रुपये के हिसाब से इसके अंदर डिसेंट माइक दिए हुए हैं। 4 दोस्तों माइक इसके अंदर यहाँ पर हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक यहाँ, टोटल 4 माइक है, यानी एक के अंदर 2 हैं। तो डेफिनेटली कॉलिंग आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है, इंडोर में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आउटडोर में आप दोस्तों आपको हर एक में इस प्राइस रेंज में दिक्कत होगी, तो डिसेंट कहूँगा इसको, वहाँ पर आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जैसी दी होती है प्राइस रेंज में, वैसे आपको दोस्तों यहाँ पर कॉल क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें दोस्तों गेमिंग मोड की, गेमिंग मोड इसके अंदर दिया गया 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी आपको मिल जाती है टर्बो मोड के अंदर। 3 बार राइट वाले पे टैप करेंगे तो गेमिंग मोड में दोस्तों चला जाता है। तो दोस्तों गेमिंग मैंने इसके अंदर करके देखिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको फर्क समझ आता है, आपको वहाँ पे लेटेंसी देखने को मिलती है। और जो फुटस्टेप्स हैं उसमें भी आपको सुनने में कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होती, आराम से गेमिंग भी आप अच्छे से इसके अंदर कर सकते हैं। गेमिंग के लिए अगर आप इसको पर्टिकुलर खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली दोस्तों परचेस कर सकते हैं गेमिंग के लिए। अब दोस्तों लास्ट अगर बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है, क्या ये साउंड को जस्टिफाई करता है नहीं, दोस्तों कंपनी ने इसके अंदर 13 mm के ड्राइवर दोस्तों दिए हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर ड्राइवर प्रेजेंट है, आपको जो है सॉन्ग क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, आपको जो है वोकल्स क्लियर मिल जाते हैं, मिड्स लोज हाई आपको बैलेंस मिल जाती है। लेकिन हाँ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है, अगर यहाँ पे ईयर टिप्स होती तो आपके कानों की फिटिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है दोस्तों इससे। तो कानों की फिटिंग अगर बेटर होती है तो ये ज़्यादा अंदर तक आपके कान में जाके स्टेबल हो जाते हैं, तो बेस आपको ज़्यादा फील होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये प्लास्टिक डिज़ाइन है, ईयर टिप्स नहीं है, तो इसका जो ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ जाता है, क्योंकि कान में उतनी ज़्यादा अच्छी फिटिंग नहीं हो पाती है। फिटिंग दोस्तों अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपके कान से गिर जाएंगे, जिम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, स्किपिंग करेंगे, कान से गिर जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके ये इजीली आपके कान में आराम से स्टेबल रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सॉन्ग की बात करो कंपैरेटिवली, तो वहाँ पर फिटिंग अगर ईयर टिप्स वाली होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ये उतने अंदर तक आपके जो कान के अंदर फिट नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ी बहुत जो बेस इसका आपको लगेगा कि थोड़ा सा कम है 13 mm के हिसाब से, अदरवाइज़ क्वालिटी अच्छी है, साउंड की बैलेंस है, क्रिस्टल क्लियर साउंड आता है, उसमें आपको दोस्तों कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ जैसे कि मैंने आपको कहा, ईयर टिप्स वाले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेस यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं मार खा जाता है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो कमी लगी है, अगर ईयर टिप्स होती तो ज़्यादा बेहतर ये परफॉर्म कर सकता था। दोस्तों रिव्यू तो आपने सुन लिया, अगर ऑल ओवर बात करूँ कि आपको ये परचेज करना है चाहिए नहीं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं 1400 रुपये के हिसाब से। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको इसके क्लियर कर दिया, क्या इसके अंदर जो है आपको थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, आपको कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर आपको IPX4 रेटिंग मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, डिज़ाइन आपको दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, मुझे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगा है, तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मज़ेदार डिज़ाइन है। हाँ इसमें एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा डिज़ाइन के मामले में, कि अगर इसको पॉकेट में डालते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने आप थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड हो जाता है पॉकेट के अंदर रहते हुए बाइक वगैरह पे सफ़र करते हुए, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसकी प्लेसमेंट आपको पॉकेट के अंदर रखनी है, कि ये बार बार इस तरह से ओपन ना हो। तो बस दोस्तों ये है, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 1399 में। परचेज लिंक दोस्तों मैं आपका इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पत्र टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ